मैं राणा प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष, हिंदू युवा वाहिनी देवरिया। बात कीजिए पथरगामा के विकास की, तो पहले की जो एमएलए थे, पहले की जो सरकार थी, कितना विकास किए और अभी क्या उम्मीद करते हैं? पहले तो यहाँ विकास के नाम पर केवल खोखले वादे किए गए और कमीशनबाजी की वजह से जो भी काम हो रहे थे उनमें कहीं कोई गुणवत्ता नाम की चीज़ नहीं थी। और आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश की, सबसे पहली बात है यहाँ कमीशनबाजी का जो नामो निशान मिट रहा है और जो भी कार्य होंगे निश्चित रूप से जो भी कार्यदायी संस्था काम करेंगी वह गुणवत्ता का ख्याल रखेंगी और निश्चित रूप से जो भी विकास होगा वह जनता के लिए लाभदायक होगा। पत्थरदेवा में सबसे पहली अहम समस्या थी नहर का पानी, हॉस्पिटल और यहाँ शिक्षा का जो मूल अभाव था, उन समस्याओं पर यहाँ की जनता चुनाव लड़ी और निश्चित रूप से जनता को विश्वास है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जो वर्तमान में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, निश्चित रूप से उस विकास कार्यों पर जो जनता ने उनको चुना है वो उस पर खरा उतरेंगे। लंबे समय के बाद यहाँ पे बीजेपी के एमएलए चुने गए सूर्य प्रताप शाही, लोगों की शिकायत है कि वो नजर बहुत कम आते हैं चुने जाने के बाद। ऐसा नहीं है, नजर नहीं आ रहे हैं। जब भी कोई क्षेत्र की समस्या होती है तो वह चाहे वह सफाई अभियान हुआ, कुछ दिन पहले यहाँ वह स्वतः कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी पत्थरदेवा की मेन सड़क पर 3 घंटा तक वह स्वतः झाड़ू चलाए, जो अपने आप में पूरे प्रदेश में एक मिसाल है। हम लोगों की तरफ से अथक प्रयास था कि संगठन को अधिक से अधिक मजबूत किया जाए, लेकिन परम पूज्य महाराज जी का दिशा निर्देश है कि 1 साल तक कोई भी नए पदाधिकारी या नए संगठन के मेंबर नहीं बनाए जाएंगे। जो इनको भी बनना है वो योगी जी के .com hinduyuvavahini.com पे संपर्क करेंगे, उसके बाद जो भी क्षेत्र के सदस्य होंगे, पदाधिकारी होंगे, उनके बारे में जो भी रिपोर्ट जाएगी, अच्छे व्यक्ति होंगे तो उनको संगठन में लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। आने वाले चुनाव की किस तरह की तैयारी चल रही है? एमपी का चुनाव भी आने वाला है। आने वाले चुनाव के समय में निश्चित रूप से मोदी की जो नीतियां हैं, मोदी के नीतियों के नाम पर और योगी की जो सरकार चल रही है, जो किसानों की कर्ज माफी हुई है, गेहूँ की व्यापक पैमाने पर खरीदारी हुई है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए जनता चुनाव करेगी और निश्चित रूप से आने वाले 2019 में भारतीय जनता पार्टी की मोदी के नेतृत्व में एक बार सरकार बनेगी। योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो सीएम भी बन गए और अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? योगी जी ने आते सबसे पहले जो अवैध बूचड़खानों को बंद किया, उसके बाद एंटी रोमियो करप्शन का गठन किया, इस तरह से जो महिलाएं, जो बहनें सड़क पर निकलने में संकोच करती थी, आज वह शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, कहीं भी उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर रही है और आने वाले समय में जनता पूर्ण रूप से योगी जी के हाथों को मजबूत करेगी और पुनः उनको 19 में यह साबित करेगी कि योगी के नेतृत्व की सरकार अच्छी है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में विजयी रहेगी। जिस तरह से जीत मिली, ऐतिहासिक जीत मिली, योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, तो आप हिंदू वाहिनी की तरफ से अपने क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग क्षेत्र की जो भी समस्याएं होंगी हम लोग महाराज श्री से मिलकर उनको अवगत कराते रहते हैं। अभी बीच में हम लोग पिछले 13 तारीख को महाराज जी से लखनऊ में मुलाकात किए, उनको क्षेत्र की तमाम सड़कों के बारे में, यहाँ की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे डिग्री कॉलेज में शिक्षकों की कमी, हॉस्पिटलों पर बेड की कमी और डॉक्टरों की कमी के बारे में हम लोग अवगत कराए। उन्होंने कहा कि यथाशीघ्र इसकी तत्काल सुनिश्चित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी।